हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा पौधा है दोस्तों तुलसी का पौधा। क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है। कई लोग यदि इसकी सही से देखभाल नहीं करते हैं तो उनका पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है, अगर इसकी सही से वो केयर नहीं करते हैं तो। आज जैसे कि अभी नवंबर का महीना आ गया है, उसके बाद जब अगला महीना दिसंबर आता है तो दिसंबर आते आते मौसम का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें तुलसी की देखभाल करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा तुलसी का पौधा ये आगे को हरा भरा रहेगा। नहीं तो ये आगे जाकर अपनी सारी पत्तियां जो है ये गिरा देता है, या इसकी सारी पत्तियां पीली पड़ करके सूख सूख करके गिर जाती हैं। और यदि एक बार अगर आपका पौधा अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है तो इसके सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने किन किन चीजों का ध्यान देना है जिससे पूरी सर्दी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा? अगर आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है तो इसको फिर से हरा भरा बनाने के लिए इसमें क्या क्या काम करें, ये पूरी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में आगे दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इस समय अपने समय तुलसी का नया पौधा लगा रहे हैं या आप नया पौधा नर्सरी से लेकर के आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये समय उतना उचित नहीं है। क्योंकि इस समय अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो उसमें फंगस की भी शिकायत आती है, और जो है उसको वो पौधा जो है आगे को आपका अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अगर हो सके तो आप इस समय जो है या तो नया पौधा तुलसी का ना लाएं, और अगर लाते भी हैं बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका पुराना पौधा सूख चुका है तो उसके लिए जो है मैं आपको बताऊं, उसको जो है आपने सबसे पहली बात है अच्छी क्वालिटी का लाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नर्सरी से इसका पौधा लेकर के आते हैं तो सबसे पहले तो आपने ध्यान देना है वो आपका पौधा अच्छी क्वालिटी का हो, और आपने ये भी ध्यान देना है जब आप उसको घर ला करके उसको आप रिपोर्ट करते हैं तो ध्यान दें जो ये तुलसी के पौधे की जो रूट बॉल है उसे आप ना काटें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जैसे वो उसको जो है रिपोर्ट करते हैं तो उसकी जो है रूट बॉल को काट भी देते हैं, और कई छोटी छोटी जो उसकी जड़ें निकली हुई हैं उनको सबको काट करके उसको फिर नए गमले में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा आप ना करें, आप उसकी जो है रूट प्रूनिंग भी ना करें, जो उसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसको भी ना निकालें। सीधे जैसे आप उसको लेके आए हैं, जो प्लास्टिक की पन्नी है या गमले में आप उसको लेके आए हैं, अगर उसको आप बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं तो जैसे आप उसको निकाल रहे हैं उसी तरह से उसको आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या अगर आपने जो है नवंबर दिसंबर में हमें ये पौधे की स्टेम प्रूनिंग करनी है या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये प्रूनिंग नहीं करनी है, या मैं कहूं कि इसकी आपने कटाई छटाई भी नहीं करनी है। और जो इसकी जो नई नई हरी ब्रांचेज आती हैं जिस इस तरह से, उनको भी आपने इनको कट नहीं करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें तुलसी की जो मंजरी आ रही है इसमें इसको काटना चाहिए, इसको कट कर लेना चाहिए? वैसे तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगी आपको कि कहते हैं कि अगर आपकी जो है तुलसी के पौधे में जो मंजरी आ रही है तो ये बहुत शुभ मानी जाती हैं, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, आपके घर में धन धान्य बना रहेगा ऐसा कहते हैं। तो इसलिए आप उसको इसको जो है इस समय जैसे ये नवंबर दिसंबर और जनवरी इन 3-4 महीनों में आप इसकी मंजरी को कट ना करें। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि अगर इसकी हरी मंजरी है वो तो कट नहीं करनी है, या आप देखेंगे अगर जैसे कोई सूख चुकी है, जैसे कि देखिए मेरे ये पौधे में है कुछ कुछ मंजरी सूख चुकी हैं, तो इनको आपने हल्के हाथ से इस तरह से कट कर लेना है। इसमें आपने कोई भी कटिंग जैसे कैंची से कई लोग करते हैं, कई लोग कटर से करते हैं, कट करते हैं, इस तरह से कट ना करें, क्योंकि उससे इसमें जो है जल्दी से फंगस लगने की शिकायत हो जाती है और हमारा पौधा ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए आप हो सके तो इसकी मंजरी इस समय कट ना करें। जैसे कि इसमें हरी मंजरी हो रखी है और आप देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे इसमें फूल भी आए हुए हैं, इनको आप कभी भी कट ना करें। बस आपने ध्यान देना है, जैसे कभी मैंने आपको बताया सूखी जो मंजरी है इनको आप निकाल लीजिए, उसके बाद इन मंजरी को आप स्टोर करके रख लीजिए। अभी ये जब आगे को जो है जब फरवरी से फरवरी का महीना आता है, फरवरी मार्च का महीना आता है, तो उस समय आप इन बीजों को जो है फिर से इनको बो करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आपको नर्सरी से भी नए पौधे लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही इसमें कई तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं।
आपने इसकी मंजरी को तभी कट करना है जब ये जो पौधे की जो ये पौधा है जो इसके लायक आपको मौसम इसका अनुकूल लगेगा, यानी कि फरवरी के बाद जब गर्मियों का मौसम आता है या जब बरसात आती है उसी समय आप इसकी मंजरी को कट करें। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, तुलसी के पौधे को हम कहाँ पे रखना है, हमें इसे कितनी धूप में रखना है, इसको कितनी धूप की आवश्यकता होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है कोहरा। कोहरे में अगर हमारा पौधा रहेगा तो हमारा पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कोहरे से क्या होता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं वो सफेद पड़ जाती हैं। तो हमारे पौधे को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहां उसके ऊपर से कोई शेड बना रहे, यानी कि अगर आप उसको ऐसी जगह पर रखें जिसमें ऊपर से इसमें हल्की कोई ग्रीन कलर का कपड़ा हो या कोई पन्नी लगी हो, इस टाइप से हो, ऊपर हो, बिल्कुल इस पर चिपका हुआ ना हो, वरना इसमें हवा का भी संचरण बना नहीं रहेगा। दूसरा, आपने इसमें सुबह की अगर इसको 2-4 घंटे की धूप भी मिल जाएगी तो भी आपका ये पौधा स्वस्थ रहेगा, बस आपने इसको कोहरे से बचाना है। अब छठा पॉइंट आता है दोस्तों, यदि आपके पौधे की सभी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ये होता है ऐसा मौसम की वजह से। अगर जो जो मौसम ठंड बढ़ते रहेगी, कोहरा बढ़ते रहेगा, आपके पौधे की पत्तियां ये पीली पड़ने लग जाएंगी। जैसे कि देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ कुछ पत्तियां मेरी भी इसकी पीली पड़ने लग गई है, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, अब कुछ समय बाद कोहरा लगता है तो हमारे पौधे की पत्तियां और भी पीली पड़ने लग जाती हैं। जब भी ये मौसम हमारा चेंज होता है तो कुछ पौधे शौक में चले जाते हैं और अपने पत्ते भी गिरा देते हैं। ये कंडीशन हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो थोड़े थोड़े इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप इसको जो है परेशान ना हो, क्योंकि ये जो है मौसम के ही हिसाब से होती है। जब अगर अधिक ठंड पड़ रही है तो हमारे पौधे की ये पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, तो आपने इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे पौधे में जो ये पीली पत्तियां हैं वो भी ना गिरे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपने इसमें क्या क्या चीजें करनी है। देखिए, सबसे पहली बात आती है पानी की। पानी हमारे तुलसी के पौधे को आप दीजिए, रोज दीजिए, कोई वो दिक्कत नहीं है उससे, पर एक सीमित पानी होना चाहिए, एक उसकी लिमिट होनी चाहिए पानी की। जब आप देखेंगे कि आपके तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है वो लगभग सूख चुकी है, बरबरी हो चुकी है, तभी आप उसमें पानी दें। अगर आपको लगता है पानी इसकी मिट्टी गीली है तो आप इसमें पानी को थोड़ा रोक सकते हैं, फिर उसको एक एक दो दो दिन के बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। और आप इसमें जो है दूसरा आपने क्या करना है, जैसे आप बार बार इसकी पत्तियों में जो है शावर ना करें। अगर आप पानी की इसमें पानी का शावर करेंगे तो भी आपके पौधे में जो है फंगस लग सकता है और आपका पौधा जो है ये पीली पत्ती पड़ करके गिरने लग जाएंगी इसकी पत्तियां, और बहुत जल्दी जो है ये पौधा आपका सूख सकता है। क्योंकि दोस्तों पता है, आप लोगों को सभी को जानकारी है कि जो पौधा होता है, हर कोई पौधा अपना खाना जो है ये पत्तियों में ही बनाता है, और अगर हमारे इस पौधे की पत्तियां गिरने लग जाएंगी, सारी लगभग गिरा देता है क्योंकि पौधा हमारा, तो उसके बाद इसमें खाना नहीं बनेगा और वो खाना जो है जड़ों तक भी पहुंचेगा नहीं, तो हमारा पौधा खुद ब खुद सूखने लग जाएगा। तो इसलिए आप इसमें ध्यान दीजिए कि पानी की मात्रा भी इसकी ठीक रखें, तभी हमारा तुलसी का पौधा अपनी पत्तियों को नहीं गिराएगा। अगली बात करते हैं, अगर हमने जिस भी गमले में ये पौधा लगाया हुआ है उसमें आपने क्या करना है दोस्तों, समय समय पे इसकी निराई गुड़ाई करते रहनी है। इसकी आप हल्के हाथ से गुड़ाई करते रहेंगे तो इससे जो है हमारे पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचते रहेगी और पौधे की जड़ें भी मजबूत बनी रहेंगी, जिससे कि हमारा पौधा ये स्वस्थ रहेगा। और दूसरा आपने क्या ध्यान देना है, इसमें कोई भी अन्य खरपतवार ना हो। आप ये देख सकते हैं मेरे पौधे में कोई भी आपको छोटी छोटी कोई घास आपको नहीं दिखेगी, और इसकी मिट्टी भी देखिए कितनी बरबरी हो रही है, आसानी से ये हाथ में निकाली जा रही है। अगर इसकी मिट्टी टाइट होगी तो हमारे पौधे की जड़ों में मिट्टी खाद के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत नुकसान देगी। इसलिए आप इसकी समय समय पर गुड़ाई करते रहिए, और इसमें आप हफ्ते दो हफ्ते में गोबर की खाद का थोड़ा सा प्रयोग करें, क्योंकि ज्यादा इस समय जो है खाद की जरूरत पौधे को नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप इसमें गोबर की खाद देते हैं तो वो पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है, और अगर आपके वहाँ गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो मैं आज आपको एक घर पे ही उपलब्ध एक खाद बताऊंगी जो आप अपने पौधे में देंगे तो उससे भी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए खाद जो है मैं बताती हूँ, ये है दोस्तों केले के छिलके की खाद। कई लोग इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, जैसे कि केले के छिलकों को भिगा देते हैं, उसके बाद जो उसको 2-3 दिन भिगाने के बाद जो उसका पानी होता है उसको छान करके अपने पौधों में देते हैं। चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं, चाहे आप इस तरह से तैयार भी कर सकते हैं। ये मैंने केले के छिलकों को सुखा करके
इसको जो है ग्राइंड कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें केले के छिलके भी हैं। इस तरह से मैंने इसकी खाद तैयार कर ली है और ये मैं महीने में 2 बार दूंगी। अधिक खाद अभी तुलसी के पौधे को अभी जरूरत नहीं होती है, तो अब मैं महीने में 2 बार इसका प्रयोग करती हूँ अपने पौधे में, ताकि जो है आने वाली गर्मी तक मेरा पौधा ये हरा भरा रहेगा, इसकी सारी पत्तियां इसमें बनी रहेंगी। तो इस तरह से अगर आप भी अपने पौधे की केयर करेंगे तो आप देखेंगे आपका पौधा भी पूरी पूरी ठंड में जो है काफी अच्छी ग्रोथ में रहा है। इसमें कोई भी पत्तियां इसकी पीली नहीं पड़ी हैं और ना ही तो इसकी जो है पौधे की कंडीशन खराब हुई है। तो दोस्तों आपको मेरी ये तुलसी से संबंधित वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।